3D प्रिंटर ने बीप दी है, तो इसका मतलब प्रिंट कंप्लीट हो गया। ये प्रिंट हुआ है सर, और इसको टाइम लगा है 4 घंटे और 20 मिनट। ये है, इस बार मैंने सेटिंग थोड़ी वो की है, जो पॉइंट्स हैं इसको एक्स्ट्रा स्पीड पे चलाया था, क्योंकि मेरी जो फिलामेंट है वो ख़त्म हो रही है, और मतलब अब ईद के दिन है, फिलामेंट आएगी भी तो वो 1 हफ्ते तक आएगी। ये क्यूट सा वुल्फ है, और यहाँ से इसके सारे, ये इसके सारे जॉइंट्स हैं, ये भी थोड़ा उतारना मुश्किल हो, हिल गया, हिल गया। ये भी क्योंकि अभी गर्म है, ये सही है, अभी थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो इसने खुद ही छोड़ देना है इसको। इसको तो मैं करता हूँ बंद, और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइल, और ये जो चक्कर है ना इसके बारे में भी बताता हूँ। ये है जी इसकी फाइल, अगर आप इसे गौर से देखें तो अच्छा। मैं पिछले दिनों एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि इस स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक सॉफ्टवेयर मिला था जो कि बाद में मसला कर रहा था, वो नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे वो सॉफ्टवेयर बताएं, ताकि मैं ये जो कैमरा हाथ में पकड़ने वाला चक्कर है इससे जान छूटे, और दूसरा ये कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नज़र आए। ये है जी जो कि मॉडल है, अगर हम इसको यूँ देख लें, इसके एक्चुअल फायदे देख लें, तो ये भाई साहब जो गोरे के पास प्रिंटर है ना, बेहतरीन प्रिंटर है, वो 3-4 कलर मिक्स करके भी निकाल देता है, सही है। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी सिंगल कलर है, वाइट हम खुद कर देंगे अगर आता है तो। ये लोगों ने निकाला है, ये निकाला था जो उसका है, उसका ख़राब क्या है, ये पिंक कलर, ग्रीन कलर, खैर इसको इस पर से उतारते हैं। और फ्लेक्सी बोलते हैं, ये सारा ना इंटरलॉक है आपस में, ये सारा ऐसे ही जुड़ा हुआ है। ये मुझे ये ये सारा आपस में ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ये बना ही ऐसे है। ये कब से मैं प्रिंट निकालना चाह रहा था, लेकिन ये एक अच्छा प्रिंट मिला मुझे। बाकी मिलते हैं स्पाइडर, मिलते हैं स्नेक, मिलते हैं स्पाइडर और स्नेक का मेरा कोई इतना वो प्यार नहीं है मुझे, एकदम ये एक क्यूट सा वुल्फ नज़र आया। ये अभी इसको क्रिक क्रिक करके कायरोप्रैक्टर की तरह इसकी हड्डियों को खोलना पड़ेगा, सही है, और वो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जी हमारे पास इसकी हड्डियों को कैसे खोलना है, एक तो ये इसके अंदर सपोर्ट है, इसको निकाल लेते हैं। जो चेन है ना, चेन वाला चक्कर है, ये अंदर से वो देखें, वो जुड़ा हुआ है, वो आपस में कनेक्टेड है, इसकी वजह से ये यूं यूं हिल रहा है। अच्छा ये पता नहीं क्या हुआ है, ये कोई मसला है जी, ये वाली चीज़ गया, ये था ही ऐसे, खैर फाइल में देख लेंगे। ले जी, इस बार कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, सिंपल सा ये एक फॉर्म मिली थी,
इससे टेस्ट भी हो गया, ये वाला सारा अंदर का चक्कर, ये बड़े अरसे से मैं टेस्ट करना चाह रहा था शुरू में। बस जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे फॉर्म अच्छे मिली है, तो ये टेस्ट भी हो गया और अब मुझे समझ आ रहा है कल को मैं अगर खुद से कोई मॉडल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको इस तरह से बना सकता हूँ। सही है। और बाकी नंबर दो, एक क्यूट सी चीज़ आ गई है, काफ़ी लंबा बड़ा भी है, तकरीबन 8 8 इंच, 9 इंच, 9 इंच के करीब है। तो ये देते हैं बच्चों के हाथ में और मुझे उम्मीद है बच्चों के हाथ में जाएगा। ये तुम इसकी लैदा होगी, ये धड़ इसका लैदा होगा, क्योंकि वो तो जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो खोल के देखेगा कि क्या है ये क्या नहीं। चलें, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये अच्छा लगा, इसका दूसरा एंगल भी देखना चाहते हैं वो भी दिखा देते हैं।